आज बीबी शहीद की 15वीं यूमी शहादत के हवाले से पाकिस्तान भर से जो ज्यादा यहाँ पे आए हुए खराज तहसीन पेश करने के लिए, हमने जमहूरियत के लिए आवाम की खिदमत के लिए वो कायदीन को हमने खोया और सैकड़ों जाले हमारे शहीद हुए, जख्मी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की जालों ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे नाचीज़ पे जो जिम्मेदारी दी है आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, अलीम फरियाल साहब, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने और कौमी असम्बली ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मुलाजमीन के हसन खुर्शी शाह साहब के, यूसुफ रजा गिलानी साहब और तमाम हमारे सीनियर लतीफ़ कोसा साहब, सब ने का एतमाद हासिल है और कौमी असम्बली ने जो मुलाजमीन के हवाले से मुझ नाचीज़ को ज़िम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 से ज़्यादा अभी तक हम रिलीफ दे चुके हैं और हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन जो है ना भुट्टो और 21 तारीख को बीबी शहीद के बरसी के मौके पे पाकिस्तान भर के जालों को तोहफे की सूरत में तमाम सेक्ट मुलाजमीन जिनकी सीनियरिटी और प्रमोशन बाकी थी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, तमाम कॉन्टिजेंट मुलाजमीन, 89 डेज के मुलाजमीन, एसएमआर सीनियर मीटर रीडर्स के मुलाजमीन को 30 सितंबर 2022 तक, जिसमें डेली वेजेस भी शामिल है, उनको रेगुलाइज करने का हुक्म दिया गया है, जो 30 सितंबर 2022 तक जो मुलाजिम थे उनको, और इंशाल्लाह बाकी सुई गैस का हुआ है, सुई सौदर्न गैस का, सुई नॉर्दर्न गैस का, जो यूजीडी सेल वाले का, एनएचए का, आईबी का, रेलवे का और तमाम बाकी जो महकमे हैं उनके उनके मातहत, उनके सीनियरिटी, उनका प्रमोशन, उनके ड्यूज, पीटीडीसी, पीआईडीसी, एक 150 के लगभग एक कम 40 वजारतें जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस के मातहत अदारे भी शामिल है और 150 के करीब जो अदारे हैं जिसमें कैपिटी के डीएलपी और बहुत सारे अदारे जिसके एक एक नाम लेना मुश्किल होगा, उन सब के मुलाजमीन के हुकूक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत पीपल्स पार्टी मेरा साथ है और इंशाल्लाह ये जाला तमाम लोगों को अपने हक दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। नारे भुट्टो। और आज